दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा कौन है और उनकी पूरी कहानी क्या है। बॉलीवुड में इस वक्त कई ऐसी अभिनेत्री हैं जो एक दशक से भी ज्यादा वक्त से फिल्मों में काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई है जिसकी वो हकदार है। इसी में एक नाम अदा शर्मा का आता है, जिन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था और आज एक दशक से भी ज्यादा समय हो चुका है वो एक सुपर डुपर हिट फिल्म के लिए तरस रही है। आइए आपको उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। 11 मई 1992 को अदा शर्मा का जन्म मुंबई में हुआ था। मुंबई में जन्म होने के बावजूद उनकी जड़ें केरल से जुड़ी हुई हैं। उनके पिता मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और उनकी माँ एक क्लासिकल डांसर। ये बात कम लोग जानते हैं कि अदा शर्मा ने फिल्मों में काम करने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। बाद में माता पिता के समझाने के बाद उन्होंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने तमिल और तेलुगु जैसी फिल्मों में काम किया और खूब संघर्ष किया और एक जाना माना चेहरा बन गई। साल 2008 में रिलीज हुई 1920 तो आप सभी को याद होगी, जिसमें अदा शर्मा का किरदार काफी बेहतरीन था। लीजा का रोल निभाने के बाद उन्हें धीरे धीरे बॉलीवुड में पहचान मिलने लगी। इसके बाद कमांडो 2, कमांडो 3, हंसी तो फंसी, द नक्सल स्टोरी और द केरल स्टोरी जैसे फिल्मों में उन्हें देखा जा चुका है, जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन द केरल स्टोरी के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनी। हालांकि इस बीच इसे काफी विवादों का भी सामना करना पड़ा। अगर साउथ फिल्मों में उनकी कुछ सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो उन्होंने हार्ट अटैक और सील जैसी फिल्मों में भी काम किया है। 2009 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पर्दापण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। साथ ही साथ द केरल स्टोरी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स चॉइस 2024 के लिए आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड दिया गया। अदा शर्मा के बारे में एक खास और रोचक बात आपको बता दे कि उन्हें जानवरों से काफी लगाव है और उनके पास एक पालतू कुत्ता भी है जिसकी तस्वीर अक्सर वो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं और इंस्टाग्राम पर 7.3 मिलियन लोग उन्हें फॉलो करते हैं। अदा को सोलो ट्रैवलिंग करना काफी पसंद है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।